अगर आप किसी के साथ सिर्फ पैसे या ग्रीड के लिए हैं, तो इसका अंत सही नहीं हो सकता। इसी कंसेप्ट के साथ आज की हमारी मूवी कैनियन, ये हॉलीवुड की एक थ्रिलर मूवी आती है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे चार मेन कैरेक्टर को देखते हैं। ये मूवी हमारी हॉलीवुड में सेट हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिश्चियन, ये मूवी का प्रोड्यूसर होता है। उसकी गर्लफ्रेंड हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है डायरा। आज क्रिश्चियन अपनी असिस्टेंट जीना उसके बॉयफ्रेंड रायन के साथ डिनर कर रहा था। एक्चुअली क्रिश्चियन की मूवी में रायन एज अ लीड हीरो काम कर रहा है। ये सब जीना के रिकमेंडेशन से हुआ था। यहाँ पर इनकी बातचीत चल रही थी जिसमें क्रिश्चियन कहता है, जीना और रायन तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। रायन भी क्रिश्चियन और टैरा को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसे एक्सप्लेन करते हुए क्रिश्चियन ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ तो है, पर फिर भी हम किसी और के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, पर सिर्फ एक दूसरे के साथ होना होता है। इसका मतलब है टैरा और क्रिश्चियन ये दोनों डेटिंग ऐप यूज करते हैं, घर पर लड़के लड़कियों को बुलाते हैं और उनके साथ इंटीमेट होते हैं, पर ये सब एक दूसरे के सामने ही करते हैं। टैरा के लिए बात जरा पर्सनल थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, इसी वजह से वो जरा अनकंफर्टेबल हो गई। क्रिश्चियन को लगता है कि इस तरीके से रिलेशनशिप होने की वजह से वो टैरा पर ट्रस्ट कर सकता है। ये सारी चीजें रायन को बहुत ही अजीब लगी। क्रिश्चियन कहता है कि इसमें अजीब कुछ भी नहीं। इसके बाद इनका डिनर खत्म हुआ। घर आने पर टैरा क्रिश्चियन पर बहुत गुस्सा थी। वो कहती है तुम्हें ये सब चीजें उन्हें बतानी नहीं चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बातें हमें प्राइवेट रखनी चाहिए। तुम तुम्हारे साइकोलॉजी से जिस तरह से बात करते हो ये तुम्हारे लिए पर्सनल है, ये चीजें मैं तुमसे कभी नहीं पूछती है। क्रिश्चियन उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है। इसके बाद इन्होंने डेटिंग ऐप से एक लड़के को बुलाया हुआ था, इसके साथ इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होते वक्त इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था। घर पर जीना रायन से पूछती है तुम्हें टैरा लगी कैसी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। रायन कहता है कि फिर से शुरू मत हो जाओ, मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो। जीना कहती कि कास्टिंग के वक्त टैरा ने तुम्हें कास्ट करने के लिए बहुत सारा फोर्स डाला था, इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा शक कर रही है। अगले दिन टैरा जब शॉपिंग के लिए जा रही थी तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। आज वो शॉपिंग मॉल में रायन से मिली। एक्चुअली इन दोनों में रिलेशनशिप थी, इसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ था और फिर टैरा क्रिश्चियन के साथ है। अभी कुछ वीक्स पहले दोनों फिर से मिले तो फिर से इनका अफेयर कंटिन्यू हुआ है। अब मिलने के बाद रायन टैरा से कहता है तुम्हें क्रिश्चियन के साथ नहीं रहना चाहिए, मैंने कल नोटिस किया कि तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करता है, तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। टैरा कहती है खुश रहने के लिए मैं उसके साथ नहीं हूँ। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स है, तो इनके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे, कभी कभी घर का रेंट भी पे नहीं कर पाते थे। इतने स्ट्रगल में जीना टैरा को सही नहीं लगा, इसलिए उसने रायन को छोड़ दिया था। वो क्रिश्चियन के साथ है क्योंकि उसे सेफ लगता है। क्रिश्चियन वैसे भी कोई सही कैरेक्टर नहीं, उसके एक फ्रेंड है जिसका नाम है सिंथिया, वो हमेशा उसके पास जाता है और डायरेक्टली इंटीमेट होता है। एक दिन सिंथिया उसके साथ इंटीमेट होते वक्त उसे किस करने लग गई। क्रिश्चियन को सही नहीं लगता, वो कहता है हम दोनों के बीच कोई भी प्यार नहीं है, हम सिर्फ इंटीमेट हो सकते हैं, उसे कोई भी अटैचमेंट नहीं चाहिए। इस बात से सिंथिया को बहुत बुरा लगा, कहती है फिर से वापस मत आना। अगले दिन क्रिश्चियन की असिस्टेंट जीना ने टैरा को बात करने के लिए कैफे में बुलाया। जीना कहती है कि हमारा डिनर अच्छा था, रायन को भी क्रिश्चियन पसंद आया था। इधर उधर की उन्होंने बातें की और जीना ने टैरा को उसके प्लान्स पूछे। टैरा एक्चुअल में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, वो क्रिश्चियन के साथ जब रिलेशनशिप में गई थी तो कुछ और चाहती थी, अब लाइफ से कुछ और चाहती है। इनकी मीटिंग एक्चुअल में क्रिश्चियन ने प्लान की थी, वो जानना चाहता था कि टैरा के माइंड में चल क्या रहा है, उसे शक है कि शायद वो उस पर चीट कर रही है। जीना क्रिश्चियन को कहती है कि टैरा बहुत ही नॉर्मल लग रही थी। आजकल रायन को पैसों की प्रॉब्लम है, उसकी मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है पर इसमें भी उसे ज़्यादा कुछ पैसे मिलेंगे नहीं। जिस बार में वो पार्ट टाइम काम करता है उस बार के ओनर के पास हो गया, उससे उसने एक्स्ट्रा शिफ्ट मांगी। बार का ओनर ही गे था और जिन्हें भी पैसों की जरूरत होती थी उन्हें वो एक्सप्लॉइट करता था। वो रायन के साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था पर रायन वहां से चला जाता है। इसके बाद वो टैरा से मिला, उसके साथ इंटीमेट हो गया।
एक्चुअली क्रिश्चियन टायरा और रायन पर नजर रख रहा था। उसे पता चल गया कि इन दोनों में अफेयर है। अब रायन को टॉर्चर करने के लिए क्रिश्चियन डायरेक्टली मूवी के डायरेक्टर के पास गया। उसे कहता है, एक रात तुम रायन को तुम्हारे पास बुलाओ, उसे कहो कि उसे अब ये रोल नहीं मिलने वाला, अगर उसे रोल चाहिए तो तुम्हारे साथ उसे इंटीमेट होना पड़ेगा। ये बात डायरेक्टर को पसंद नहीं आई, वह करने नहीं वाला था। पर किशन कहता है, यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मैं किसी को भी हायर कर सकता हूँ। अपने जॉब जाने के फियर में ये डायरेक्टर ही करने के लिए मान जाता है। एक दिन जिना के आईपैड पर रायन क्रिश्चियन का शेड्यूल देखता है। उसमें से सिंथिया का नाम उसका पहचान का था। सिंथिया वही लड़की है जिसके पास जाकर क्रिश्चियन इंटीमेट होता था। रायन ने सिंथिया के बारे में जिना से पूछा। जिना कहती है कि सिंथिया फिटनेस कोच बन चुकी है, पर उसे पता है क्रिश्चियन उसके पास क्यों जाता है। रात में दोनों बाथटब में थे, तभी टायरा के बारे में बात कर रहे थे। जिना कहती है, उस दिन मैं टायरा से मिली और वो मुझे डरी हुई सी लग रही थी। आज रात ही रायन को डायरेक्टर का कॉल आया। जैसा क्रिश्चियन ने डायरेक्टर को कहा था रायन को ब्लैकमेल करने के लिए, वही डायरेक्टर ने किया। रायन को अपना जॉब रखने के लिए डायरेक्टर के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। इस बार अपने हालात से रायन तंग आ चुका था, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अगले दिन टायरा को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारी लाइफ खतरे में है। ये उसे बहुत ही अजीब लगा। वो क्रिश्चियन से बहाना बनाती है कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, जिसने मैसेज किया था उसे मिलने के लिए वो जा रही थी। क्रिश्चियन को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो टायरा के रूम में जाकर उसका मोबाइल चेक करता है। टायरा ने अभी भी नोटिस किया कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है। टायरा एड्रेस पर पहुंची तो एक्चुअल में सिंथिया का एड्रेस था। सिंथिया कहती है, क्रिश्चियन जब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया उससे पहले वो मेरे साथ था। टायरा कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिंथिया कहती है, क्रिश्चियन बहुत ही डेंजरस है, मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ भी गेम्स खेलता होगा। टायरा कहती है कि हमारी रिलेशनशिप अलग है, तुम इसे समझ नहीं सकती। सिंथिया ने कहा, हमारी रिलेशनशिप भी तुम्हारी तरह ही थी। एक दिन उसने बहुत सारे लोगों को घर पर बुलाया, मेरे साथ वो जबरदस्ती इंटीमेट हो गए, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। वो वार्न कर रही थी कि क्रिश्चियन से दूर चली जाए। टायरा कहती है, तुम केयरफुल नहीं थी, क्रिश्चियन मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। वो कुछ भी बात नहीं मानती और घर आ जाती है। जैसे कि हमें पता है, क्रिश्चियन ने टायरा का फोन ले लिया था। इससे उसने रायन और टायरा के बीच में जो भी हुआ इस सब की इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। वो बहुत ही गुस्सा हो गया था। रात में टायरा जब घर पर आए तो कहता है, कुछ लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं। टायरा भी कहती कि बुला लो, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। रात में 3-4 लोग इनके साथ आए और ये सारे मिलकर इंटीमेट हो गए। अगली सुबह हम देखते हैं कि रायन सिंथिया से मिलने के लिए आया हुआ था। इसका मतलब है ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो सिंथिया ने टायरा को सब कुछ झूठ कहा था। एक्चुअली क्रिश्चियन ने कभी भी सिंथिया को हर्ट नहीं किया। आज दिन भर रायन ने नोटिस किया था कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है। उसने फाइनली उस आदमी को पकड़ लिया और कहा, ये जाओ और क्रिश्चियन को बता दो कि मैं उससे नहीं डरता, उसे जो भी करना है वह सब कर सकता है। इसके बाद रायन ATM से पैसे निकालने के लिए गया, पर रायन ने उसका अकाउंट हैक कर उसके सारे पैसे गायब कर दिए थे। इस पर रायन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह जब टायरा उठी तो उसका फ़ोन उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। वो कॉल लगाती है तो क्रिश्चियन के पास है, उसे कन्फ्रंट करती है कि मेरा मोबाइल तुम्हारे पास क्यों। क्रिश्चियन भी उस पर गुस्सा हो गया। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम में और रायन में अफेयर है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने सिंथिया को हर्ट भी किया। रायन आज बहुत ही डिस्टर्ब था। वो आफ्टरनून में ही ड्रिंक कर रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि हुआ क्या। वो कहता है कि मुझे मूवी नहीं मिलने वाली। टायरा और उसके बारे में सब कुछ उसने उसे बता दिया। जीना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। कहती है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं ध्यान में रखूंगी कि कभी भी किसी भी मूवी में तुम काम ना करो। टायरा को मारने के बाद क्रिश्चियन को बुरा लग रहा था तो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास हो गया। वो उससे कहता है कि नॉर्मली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, पर मेरा कंट्रोल चला गया था। इस थेरेपी में आना क्रिश्चियन को सही नहीं लगता। उसके फादर ने उसे कंपल्सरी किया, इसी वजह से उसे आना पड़ता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि उसके सारे पैसे उसके फादर ही देते हैं। वो थेरेपी करने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डायरेक्टली सिंथिया के पास आया। उसे पूछता है, तुमने टायरा से झूठ क्यों कहा।
सिंथिया सिर्फ क्रिश्चियन का अटेंशन पाना चाहती थी। क्रिश्चियन बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करता है। वो जब बाहर आया तो उसके हाथ में नाइफ थी। उसने सिंथिया को मार डाला। वो रायन को कॉल लगाता है, कहता है तुमने सिंथिया के साथ किया क्या। वो रायन को सिंथिया के मर्डर में फंसाना चाहता था। रायन जल्दी से सिंथिया के पास पहुंचा और वो बहुत ही डर जाता है। इसके बाद जब क्रिश्चियन घर पर आया तो टायरस सब कुछ कपड़े वगैरह पैक कर यहाँ से निकल जाने के लिए रेडी थी। वो क्रिश्चियन से पूछती है अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्रिश्चियन ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पुलिस ने पूछा तो बताना कि आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ था। टायरा कन्फ्यूज हो गई। वो पूछती है तुमने ऐसा क्या किया। क्रिश्चियन कहता है कि मैंने तुम्हें जैसा कहा है सिर्फ वही करो, अगर तुम नहीं करती तो मैं रायन को मार डालूंगा, और तुम्हें पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि कुछ भी कर मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। टायरा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। रायन को बचाने के लिए उसे पुलिस से झूठ बोलना ही पड़ता है। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली एक साल बीत चुका है। टायरा अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ एक डबल डेट पर आई हुई थी। टायरा की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन को जानती है। उसने टायरा से पूछा एक साल पहले मर्डर हुआ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। टायरा कहती कि कोई भी पकड़ा नहीं गया, एक सस्पेक्ट था पर उसके खिलाफ कोई ज्यादा एविडेंस नहीं मिले। इसका मतलब है क्रिश्चियन रायन को फ्रेम तो करना चाहता था पर रायन इससे बच गया। ये फ्रेंड पूछती है क्या अभी भी तुम क्रिश्चियन के कांटेक्ट में हो। टायरा कहती है हमारा एक साल पहले ब्रेकअप हो गया, उसके बाद हम सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रखते। इसके बाद ये फ्रेंड बाथरूम गई और उसने रायन को कॉल लगाया। एक्चुअल रायन टायरा के बारे में जानना चाहता था कि वो कैसी है। इस फ्रेंड की वजह से उसे टायरा का हाल पता चल चुका है। ये एक दूसरे से प्यार तो करते थे पर दोनों लालची थे। टायरा क्रिश्चियन के साथ थी क्योंकि उसे सेफ्टी चाहिए थी। रायन जिना के साथ था क्योंकि उसे मूवी मिल पाए। अलग अलग पार्टनर के होने के साथ भी ये दोनों चीट करते रहे। फाइनली इनकी रिलेशनशिप का एक डार्क एंड हुआ। ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते। इसे एक डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।